तो ये अच्छा सा एक बिल्कुल सही कवर के हमारे पास फैब्रिक के पीसेस होते हैं, जैसे साड़ी के टुकड़े हो गए, पुराने सूट हैं और शर्ट्स हैं पुरानी, और जीन्स के फैब्रिक हैं, यानी बचे हुए बेकार ऐसे फैब्रिक बहुत सारे होते हैं जिन्हें ना तो हम किसी को दे पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही दिखने में सुंदर होते हैं, या फिर वैसे भी बड़े बड़े कपड़े के पीस हमारे पास घर में रहते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का है अगर आपके पास इस तरीके की चीजें हैं, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ फोम की एक डबल बेड की बेडशीट, बहुत ही मतलब एक ऐसे तरीके से कि कोई भी उसे बना सकता है, और उसमें मैं लगाऊंगी एक इलास्टिक जिससे उसे बनाऊंगी फिटेड। और आप लोगों ने एक कमेंट मुझसे किया था क्या ये वॉशेबल है, तो हां जी, अगर आप फोम की बेडशीट बनाते हैं ना तो ये वॉशेबल होती है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और अपने जो कपड़े के टुकड़े हैं ना उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। बेडशीट बनाने के लिए हमें चाहिए तीन चीज़ें, जिसमें से एक मैंने लिया है ये येलो फैब्रिक, और भी छोटे मोटे फैब्रिक मैंने लिए हैं आपको आगे बता दूंगी। दूसरी चीज़ हमें चाहिए अस्तर लाइनिंग, जो कि हम सबसे नीचे लगाते हैं। पुरानी बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉटन की पुरानी साड़ी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये है फोम की शीट जो कि 5 mm की है, किसी भी जहाँ पे टेलर वाला सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगी, छोटी बड़ी जैसे भी मिले, आपके पास टुकड़े पड़े हों वो सब आप इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, और इसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं, ये वॉशेबल होती है। जब कभी भी हम इन पीसेस को कट करेंगे तो कितने कट करेंगे, ये हमें चाहिए इतने कि हमारा बेड का ऊपर वाला साइड कवर हो जाए, छोटे बड़े जैसे चाहिए आप इनको कट कर लीजिए। दूसरा फैब्रिक मैंने लिया ये येलो कलर का, इसको भी मैंने कट कर लिया है। कुछ पीसेस इसमें जैसे जो स्ट्राइप वाला है ना, पट्टियों वाला कपड़ा है, वो बड़े साइज का है और ये छोटे पीसेस मैंने कट किए हैं। आप भी किसी भी तरह से कोई भी कपड़ा बड़ा या छोटा कट कर सकते हैं, और ये हमें इतने पीसेस कट करने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेड के ऊपर का जहाँ पे मैट्रेस यानी कि गद्दा रहता है वो वाला पार्ट कवर हो जाए। नहीं होगा तो भी आगे मैं आपको बताती हूँ उसकी भी टिप। तो ये मैंने काफी सारे जो है मतलब कट कर लिए हैं, मशीन तैयार कर ली है। अब आपको मैं बताती हूं एक चीज और, अगर आपका ऊपर वाला फैब्रिक थोड़ा सा पतला है जो आप सबसे ऊपर लगा रहे हैं, तो आप उसके नीचे अस्तर भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए इसे रख कर कि क्या अस्तर की जरूरत है कि नहीं है। जैसे देखिए ये पीला वाला फैब्रिक थोड़ा पतला है, इसको मैंने अस्तर रख के देखा तो थोड़ा येलो कलर तो ब्राइट हो गया, लेकिन व्हाइट कलर पे एज सच बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, और मुझे व्हाइट कलर ही थोड़ा सा बढ़ाना था तो मैंने इसके नीचे अस्तर नहीं लगाया। यानी कि आप जो सबसे ऊपर कपड़ा रखते हैं उसमें भी अस्तर लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने कैसे ये कट किया है वो भी आपको बता दूं, हर टुकड़े का अलग अस्तर मैंने जो सबसे नीचे लगाएंगे वो कट किया। तो सबसे नीचे रखा अस्तर मैंने जो चाहिए हमें, पुरानी बेडशीट का भी आप यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर रखी है फोम की शीट। अब फोम की शीट का मैं आपको नाप बताती हूं, ये आपको इतनी रखनी है जो कि थोड़ी छोटी हो, करीब 1 से 1.5 inch आप इसको छोटा रखेंगे कपड़े से, और सबसे ऊपर हम रख देंगे अपना ऊपर वाला फैब्रिक। ये भी हमने बड़ा काटा है, यानी अस्तर जो सबसे नीचे है और ऊपर का जो फैब्रिक है ये बराबर है, लेकिन जो बीच में हमने फोम की शीट रखी है ये हमारी साइज में छोटी है। इसका भी क्या यूज होगा आगे आपको बताऊंगी, और अगर आपको कोई और अस्तर भी लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। दो साइड से इसे केवल सिलना है तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने दो साइड से
इसे एल शेप में मैं सिलूंगी बिल्कुल किनारे की तरफ, और बीच का मैंने इसलिए छोड़ूंगी दो साइड की, बीच में जब हम इसमें धारियां बनाएंगे सिलाई की तो जो झोल आता है वो साइड की तरफ, जो खुले साइड है उसमें सरकता जाता है, बिल्कुल भी झोल नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने दो साइड में बिल्कुल किनारे की तरफ फोम को के तरफ सिलाई कर ली है। देखिए दो साइड खुले हैं और सिलाई भी हमने इस तरह से करी है कि बस फोम सिली है और साइड की दोनों पट्टियां देखिए इस तरह से खुली हुई हैं। बस इतना सा ही इसमें ध्यान रखना है। और अब क्या करेंगे, लंबी लंबी इसमें सिलाई मार लेंगे जहां सिले हुए कोने हैं वहां से साइड की तरफ, और फिर बीच में स्केल से हम लाइन खींच के इसमें स्क्वायर से बना लेंगे। इससे क्या होता है, फोम अपनी जगह टिकी रहती है, फटती नहीं है, ड्यूरेबल हो जाती है। तो किसी भी पैटर्न से आप इसमें लाइंस बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। थोड़ा सा ये आसान पड़ता है इसलिए मैं हमेशा ये पट्टियों वाला डिज़ाइन बनाती हूँ। तो अब देखिए इस तरह से हमें सारे पीसेस अपने रेडी कर लेने हैं। और अगर आपको लगे कि फैब्रिक बहुत पतला है तो एक बार उस पर प्रेस करके सेट कर लीजिए और फिर उस पर सिलाई करिए। जैसे ये येलो वाला फैब्रिक काफ़ी पतला था तो मैंने इस पर प्रेस कर ली और इस तरह से ये सारे पीसेस देखिए रेडी हो गए। अब हम ना इनको आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए जो लंबाई में ये तीनों पीस जोड़ लेंगे, फिर ये और फिर ये तीनों लंबाई में जोड़ने के बाद फिर हम इनको आपस में अटैच कर देंगे। जैसे ये दो पीस हैं इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। तो मैंने फोम जो है छोटी कट करी थी, ये मैंने आपको बताया था, और ये जो फैब्रिक थे ये लंबे थे, देखिए इस तरह से। तो ये दो हैं और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ये दो हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी फोम अगर बाहर आ रही है तो इसको हम कट कर देंगे। और फिर हम इन दोनों को कैसे अटैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे और फोम वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, जो ये किनारे वाले पार्ट हैं इनको हम एक दूसरे के ऊपर रख के सिल देंगे, क्योंकि फोम काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो अगर आप फोम पे सिल सकते हैं आप तो फोम पे सिल लीजिए, लेकिन मैंने इस तरह से करा है कि मैं यहाँ रखूँगी और फिर इस तरह से अटैच करूँगी। तो अटैच होने के बाद ये इस तरह से कुछ आएंगे और फोम ये इस तरह से जुड़ी हुई आ जाएगी। तो यही मैं अब सिलती हूँ। और ध्यान भी रखना है कि किनारे की जो ये सिलाई है ये बिल्कुल इसके ऊपर आए, इस तरह से रख के हमें सिलना है इनको। अब देखिए मैंने इसकी सिलाई शुरू कर दी है। एक चीज़ और है, जब मैंने ये मशीन खरीदी थी तब मैंने इसको कुछ इस तरह से सेट करवाया था कि उन्होंने ना ठोक पीट के इसे नई मशीन को ऐसा सेट कर दिया था कि इसमें मोटा फैब्रिक यानी जीन्स भी हम बहुत आराम से सिल सकते हैं। तो अगर आप नई मशीन खरीद रहे हैं ना तो ऐसा कुछ करा लीजिए। और इस तरह से मैं ये सारे पीसेस को अब आपस में अटैच कर लूँगी। अब ये पीसेस लंबाई में मुझे जोड़ने हैं। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और फिर हम ना थोड़ा सा इसे नीडल की मदद से या कच्चे की मदद से, किसी कच्ची स्टिच की मदद से इसे कस लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई से सिलाई मिलानी है। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। और हम सारे पीसेस को आपस में धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और हमारी एक बेडशीट रेडी हो जाएगी। तो अगर आपके पास कुछ फैब्रिक के टुकड़े हैं तो देखिए इस तरह से आप एक बेडशीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने इस तरह से बनाई है कि ये बेड का ऊपर वाला साइड कवर कर रही है, लेकिन साइड में अभी थोड़ी सी छोटी है जिसको कि मैं सही कर लूंगी। तो आप इसी तरीके से बड़े छोटे कोई भी फैब्रिक के टुकड़े लगा के एक बेडशीट इस तरह से बना सकते हैं। और ये भी तैयार है, इसके साइड में आप पाइपिंग लगा लो, पूरा एक फोम की बेडशीट बना लो, है ना बहुत प्यारी सी। लाइक जरूर करना। यहाँ पे मैंने जोड़ लगाया है वहाँ पे लगा दी एक छोटी सी लेस। और ये भी मतलब अगर आपके पास लेस नहीं है तो ऊपर से एक सिलाई मार दीजिए जिससे कि जो जोड़ हैं वो दब जाते हैं। अब जो एक्स्ट्रा मुझे इसे बेडशीट के बराबर बनाना था ना, बड़ा बनाना था, तो एक बेडशीट से नाप लीजिए और साइड में कोई भी मैचिंग का प्लेन फैब्रिक आप लगा लीजिए। ये फैब्रिक कोशिश करिए कि कॉटन का हो, और जितने भी फैब्रिक आप यूज़ करें कोशिश करिए वो सेम टाइप के हों। ये साइड में मैंने सिल दिया है चारों तरफ। और अब देखिए ये हो गई एक तैयार डबल बेड की बेडशीट। तो आप चाहें तो इसे पूरा फोम से भी बना सकते हैं, साइड में फ्रिल लगा सकते हैं, या देखिए इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अब मुझे जो है इसको बनाना है फिटेड बेडशीट, तो उसके लिए देखिए मैं क्या करूंगी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। You know the drama.
अगर हमें बेडशीट को फिटेड बनाना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मेजरमेंट ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो हमारी मैट्रेस है या गद्दा है उस पे अपनी बेडशीट बिछा लेनी है और उसे साइड में से कट कर लेना होता है, और हमें इतना रखना होता है कि जो भी हमारा गद्दा है, मैट्रेस है, देखिए जैसे ये गद्दा है, इसके ऊपर बेडशीट पड़ी हुई है, ये है मैट्रेस, तो इसके ऊपर जब हम बेडशीट बिछाएं तो वो पूरे गद्दे को कवर करे और बस थोड़ा सा ही वो अंदर चला जाए। यानी ये है करीब 10 इंच के करीब फैब्रिक जो कि हमें गद्दे की जो चौड़ाई है उसके बाद एक्स्ट्रा लेना है। इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से हमें चारों तरफ उतना फैब्रिक कट कर लेना है, उतना ही बड़ा रखना है। फिर हम इस गद्दे के ऊपर इस बेडशीट को उल्टा बिछा लेंगे। ये बेडशीट हमने उल्टी बिछा ली है, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे गद्दे के मैट्रेस के कॉर्नर्स हैं वहां पे इस तरह से रखना है। दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे इस तरह से रखना है, देखिए ये कोना है ना और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो यहाँ पे रखना है और इस तरह से देखना है कि कितना कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पे साइड में एक सिलाई लगानी है तो ये एक कॉर्नर सा निकल आएगा। ये पकड़ना है, देखिए यहाँ से ये कॉर्नर पकड़ना है यहाँ से, और जितनी गद्दे की ऊंचाई है देखिए ये यहाँ तक, इस तरह से इसे कस के ऐसे पकड़ लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा कच्ची स्टिच कर दीजिए यहाँ पे, और ये एक इस तरह से बन जाएगा ऐसे। ये लिया सुई धागा और ये रहा कॉर्नर गद्दे का यहाँ से, और बस इसे कर्रा करके इधर तक लेकर आए दोनों हाथों से, इस तरह से यहाँ तक, यहाँ तक है देखिए, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी बिल्कुल इसी के साइड में इस तरह से कच्ची स्टिच कर दी। ये थोड़ी खिंचेगी जब बेडशीट तो ये सही हो जाएगी। तो ये आ गया एक कॉर्नर, इस तरह से सिल गया ये। इस तरह से हमें चारों कॉर्नर कर लेने हैं। पहले ये कच्ची स्टिच है, बस मैंने यहीं पे धागा इसका तोड़ लूंगी। ये जो हमने कॉर्नर यहाँ पे सिला है बिल्कुल इससे बिल्कुल सही फिटिंग आती है बेडशीट की। अब हम यहाँ पे मशीन की सिलाई करके इस पार्ट को नीचे तक कट कर देंगे बिल्कुल, तो ये अच्छा सा एक बिल्कुल सही कवर सा बन जाएगा इस मैट्रेस का, यानी फिटेड बेडशीट का। तो ये स्टेप बस ध्यान दीजिएगा, अब मैं इस पे मशीन चला के इन कॉर्नर्स को कट कर दूंगी। अब हमें कॉर्नर्स को कट कर लेना है। चारों कॉर्नर्स को इसी तरीके से सिल के मैंने कट कर लिया, और अब मुझे पूरी बेडशीट में चारों तरफ ही एक नेफा बनाना है जिसमें कि मैं डालूंगी इलास्टिक। तो बहुत ही आसान है, देखिए कितना आसान सी चीज़ है, और इस नेफे को हमें उतना चौड़ा रखना है कि जब हम इसमें इलास्टिक डालें तो ये अच्छी तरीके से आ जाए। वैसे मैंने फिटेड बेडशीट के ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप चेक करिएगा। ये मैंने एक इंच की इलास्टिक ली है और चारों तरफ डाल दी है। चारों तरफ की जितनी लेंथ होती है उसकी हाफ हमें इलास्टिक चाहिए होती है, और उस हिसाब से आप इसको यूज करिए। और वैसे भी लगा के देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा फिटेड चाहिए तो थोड़ा इसे टाइट भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये तैयार हो गई एक फिटेड बेडशीट। ये हो गई तैयार एक बहुत ही सुंदर एक फिटेड बेडशीट जो कि फोम की है, और इस पे ना कितनी बार भी उठो बैठो जल्दी से ये खराब नहीं होती है। मुझे भी बहुत पसंद आई है, और मैंने जो इसको बनाया है कुछ बचे हुए फैब्रिक पीसेस से बनाया है। लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है ये मेरे किसी भी काम नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यूज किया, और जो दूसरा मैंने येलो वाला फैब्रिक लगाया है ये तो आपने मेरे पुराने कुछ DIYs मैंने बनाए थे उसमें भी देखा होगा। तो इस तरह से ये हो गया मेरा प्रोजेक्ट पूरा। अगर आपको पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना, क्योंकि इन सब चीजों को बनाने के लिए मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ कि कुछ नया करूं जिससे कि आपको पसंद आए। तो लाइक जरूर करना पसंद आए तो, और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।
एंड बाय बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे आप लोगों के जो डीएम्स हैं वो आज मैं बैठ के चेक करूंगी और आपको रिप्लाई करूंगी। तो आपको कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, और पूछिए मुझसे अपनी कुछ क्वेरी। और हाँ, वीक में एक दिन मैं कोई भी इंस्टाग्राम से कोई भी एक फॉलोअर पिक करके एक वीडियो कॉल उनके साथ जरूर करूंगी। तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।